भारत के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस का पूरा जीवन किसी भी फिल्मी कहानी से कम नहीं है, जिसमें एक्शन, रोमांस और रहस्य तीनों ही हैं। सुभाष चंद्र बोस देश की आजादी के लिए लड़ने वाले असल जिंदगी के हीरो थे, जिन्होंने अंग्रेजों की गुलामी ना स्वीकारते हुए आजाद हिंद फौज का गठन किया था। उनकी लव लाइफ भी काफी दिलचस्प थी। सुभाष चंद्र बोस ने अपनी सेक्रेटरी एमिली से प्रेम विवाह किया था, जो कि ऑस्ट्रिया की रहने वाली थी। उनकी प्रेम कहानी के भी कई किस्से हैं। ये तो रही एक्शन और रोमांस की बात, अब सुभाष चंद्र बोस के जीवन से जुड़े रहस्य पर नजर डालते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु हर किसी के लिए एक रहस्य है। उनके निधन के इतने सालों बाद भी आज तक ये पता नहीं चल सका कि आखिर उनकी मौत असल में कैसे हुई थी। उनकी मृत्यु पर जो जांच हुई वो भी कुछ सही निष्कर्ष ना दे सकी। चलिए जानते हैं कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत आज भी एक रहस्य क्यों बनी हुई है। सरकारी दस्तावेजों के मुताबिक सुभाष चंद्र बोस की मौत 18 अगस्त 1945 को एक विमान हादसे में हुई थी। कहा जाता है कि सुभाष चंद्र बोस जिस विमान से मंचूरिया जा रहे थे वो रास्ते में लापता हो गया। उनके विमान के लापता होने से ही कई सवाल खड़े हो गए, जैसे कि क्या विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ था, क्या सुभाष चंद्र बोस की मौत एक हादसा थी या फिर एक हत्या। उसी साल 23 अगस्त को जापान की एक संस्था ने एक खबर जारी की, जिसमें कहा गया कि सुभाष चंद्र बोस का विमान ताइवान में दुर्घटनाग्रस्त हुआ था, जिसकी वजह से उनकी मृत्यु हो गई। किसी देश की संस्था से ऐसा बयान आने पर इस हादसे को सच माना जा सकता था, लेकिन कुछ ही दिन बाद जापान सरकार ने पुष्टि की कि ताइवान में उस दिन कोई विमान हादसा हुआ ही नहीं था। इस बयान से संशय और बढ़ गया। जब कोई विमान हादसा हुआ ही नहीं तो नेताजी कहां गए। सुभाष चंद्र बोस की मौत इसलिए भी एक रहस्य बनी हुई है क्योंकि आरोप लगा कि जवाहरलाल नेहरू ने बोस के परिवार की जासूसी करवाई थी। अप्रैल 2015 में इस मुद्दे पर आईबी की दो फाइलें सार्वजनिक हुई, जिसके बाद विवाद खड़ा हो गया। इन फाइलों के मुताबिक आजाद भारत में करीब 2 दशक तक आईबी ने नेताजी के परिवार की जासूसी की। कई जानकारों का मानना है कि पंडित नेहरू को भी सुभाष चंद्र बोस की मौत पर शक था, इसलिए वह बोस परिवार के पत्रों की जांच करवाते थे ताकि अगर नेताजी परिवार से संपर्क करें तो पता चल सके। बाद में सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु से जुड़ी 37 फाइलें सरकार ने सार्वजनिक कर दी थीं, लेकिन इन फाइलों में भी ऐसे पुख्ता सबूत नहीं मिले जो दावा कर सकें कि सुभाष चंद्र बोस की मौत विमान हादसे में ही हुई थी। नेताजी के समर्थकों का मानना है कि वो देश की आजादी के वक्त भी जीवित थे, लेकिन इस बात का कोई भी सबूत नहीं है। आज भी सवाल बरकरार है कि क्या 1945 में विमान हादसे में ही सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु हुई थी। अगर हाँ तो यह हादसा था या हत्या, और अगर नहीं तो नेताजी कहाँ गए और क्यों दुनिया से छुप कर रहे। कुछ साल पहले नेताजी की मृत्यु से जुड़ी एक और थ्योरी सामने आई थी, जिसमें गुमनामी बाबा नाम के एक शख्स का जिक्र था। कहा जाता है कि गुमनामी बाबा ही सुभाष चंद्र बोस थे। क्या नेताजी सुभाष चंद्र बोस और गुमनामी बाबा एक ही शख्स थे? क्या नेताजी ने ही गुमनामी बाबा बनकर अपनी जिंदगी के आखिरी वक्त फैजाबाद में गुमनाम जिंदगी के तौर पर गुजारी थी, या फिर गुमनामी बाबा नेताजी के बेहद खास थे? 17 सितंबर 1985, इस कहानी की शुरुआत इसी तारीख से होती है जब फैजाबाद में गुमनामी बाबा की अचानक मौत हो जाती है। मौत के 2 दिन बाद 19 सितंबर 1985 को शाम करीब 4 बजे फैजाबाद के ही गुफ्तार घाट पर सरयू नदी के किनारे गुमनामी बाबा का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है, मगर हैरतअंगेज तौर पर उनका चेहरा किसी को देखने नहीं दिया जाता। गुमनामी बाबा की मौत से पहले उनकी जिंदगी एक तरह से गुमनाम से ही थी। इसकी वजह यह थी कि गुमनामी बाबा बेहद रहस्यमय तरीके से रहा करते थे। आम लोग उनका चेहरा तक भी नहीं देख पाते थे। वे थोड़े थोड़े वक्त पर किराए का घर बदलते रहते थे, यहाँ तक कि उनके निजी सेवक भी कुछ महीनों में ही बदल जाते थे। उनकी मौत के 2 दिन बाद जब सेवकों ने घर की तलाशी ली तो पहली बार एक अफवाह फैजाबाद से बाहर निकलकर देश के कोने कोने तक जा पहुंची। दरअसल कई बक्सों में बंद सामान जब बाहर निकाला गया तो अचानक चर्चा शुरू हो गई कि गुमनामी बाबा कोई और नहीं बल्कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे। अब सवाल ये था कि अगर नेताजी ही गुमनामी बाबा थे तो फिर 1945 में विमान हादसे में किसकी मौत हुई थी?
क्योंकि भारत सरकार ये घोषित कर चुकी थी कि नेताजी की विमान हादसे में मौत हो चुकी है। और आखिर वो सामान क्या था जो गुमनामी बाबा को नेताजी बता रहा था? तो पहले गुमनामी बाबा के बक्से के बरामद सामान पर एक नजर डालते हैं। असल में जो सामान गुमनामी बाबा के पास से मिला था, उसमें कोलकाता में हर साल 23 जनवरी को मनाए जाने वाले नेताजी के जन्मोत्सव की तस्वीरें थीं, लीला रॉय की मौत पर हुई शोक सभाओं की तस्वीरें भी थीं, नेताजी की तरह पहने जाने वाले दर्जनों गोल चश्मे थे, 555 सिगरेट और विदेशी शराब थी। इसके अलावा सुभाष चंद्र बोस के माता पिता और परिवार की निजी तस्वीरें भी थी, एक रोलेक्स की जेब घड़ी थी और आजाद हिंद फौज की एक यूनिफॉर्म भी थी। इसके अलावा कई अखबार, जर्मन, जापानी और अंग्रेजी साहित्य के ढेरों किताबें भी मिली। जानकारों का कहना था कि गुमनामी बाबा फर्राटेदार इंग्लिश और जर्मन भी बोलते थे। यही नहीं, हाथ से बने हुए उस जगह के नक्शे भी बरामद हुए थे जहां नेताजी का विमान क्रैश हुआ था। आजाद हिंद फौज की गुप्तचर शाखा के प्रमुख पवित्र मोहन रॉय के लिखे गए बधाई संदेश भी बरामद हुए थे। जब ये सारा सामान एक साथ बरामद हुआ तो धीरे धीरे गुमनामी बाबा की कहानियां मशहूर होने लगी, तमाम चश्मदीद सामने आने लगे। फिर एक अहम बात का पता चला कि उत्तर भारत का एक आम गुमनामी बाबा भला जर्मन, अंग्रेजी, जापानी और बंगाली भाषा इतनी धारा प्रवाह कैसे बोल सकता था, और ये सब वही जुबानें थीं जो नेताजी बोला करते थे। लिहाजा अब यह तय हुआ कि नेताजी के फैजाबाद पहुंचने की कहानी समझी जाए, आखिर वो यहां कब, कैसे और कहां से आए। फैजाबाद के स्थानीय लोगों के मुताबिक गुमनामी बाबा या भगवान जी 70 के दशक में वहां पहुंचे थे। शुरुआत में वे अयोध्या की लाल कोठी में बतौर किराएदार रहा करते थे, फिर कुछ ही दिन बाद बस्ती में जाकर रहने लगे, लेकिन बस्ती उन्हें रास नहीं आई और गुमनामी बाबा वापस अयोध्या लौटकर पंडित रामकिशोर पंडा के घर रहने लगे। फिर कुछ साल बाद उनका अगला पड़ाव था अयोध्या सब्जी मंडी के बीचों बीच स्थित लखनवा हाता, जहां वे बेहद गुप्त तरीके से रहे। आखिरी वक्त में गुमनामी बाबा फैजाबाद के राम भवन में 2 कमरों के मकान में रहा करते थे, जहां उनकी मृत्यु हुई। गुमनामी बाबा की मौत के बाद सामान के साथ कुछ ऐसी बातें भी बाहर आईं जिनको लेकर लोगों को यकीन सा होने लगा था कि गुमनामी बाबा ही नेताजी थे। गुमनामी बाबा फैजाबाद कैसे पहुंचे, कहां से आए, किसी को पक्के तौर पर नहीं पता था। गुमनामी बाबा हमेशा हर जगह बेहद गुप्त तरीके से क्यों रहते थे? गुमनामी बाबा किसी को अपना चेहरा क्यों नहीं दिखाते थे? वो कौन लोग थे जो हर साल 23 जनवरी और दुर्गा पूजा पर गुमनामी बाबा से मिलने गुप्त तरीके से आते थे? 23 जनवरी नेताजी का जन्मदिन होता है। इन 2 मौकों पर बाबा के निजी सेवकों को भी उनसे मिलने क्यों नहीं दिया जाता था? अगर गुमनामी बाबा एक संत महात्मा थे तो इतनी फर्राटेदार अंग्रेजी और जर्मन कैसे बोलते थे? गुमनामी बाबा के पास दुनिया भर के नामचीन अखबार, पत्रिकाएं, साहित्य, सिगरेट और शराब कौन पहुंचाता था? कहते हैं जब गुमनामी बाबा की मौत के बाद उनके नेताजी होने की बातें फैलने लगीं, तो नेताजी की भतीजी ललिता बोस कोलकाता से फैजाबाद आईं और गुमनामी बाबा के कमरे के बरामद सामान को देखकर ये कहते हुए फफक कर रो पड़ीं कि ये सब कुछ उनके चाचा का ही है। इसके बाद गुमनामी बाबा के ही नेताजी होने की जांच के लिए कई जगह प्रदर्शन भी हुए जो काफी लंबे वक्त तक चले। सरकार बैकफुट पर आ गई और इस मामले की जांच के लिए मुखर्जी आयोग का गठन किया गया। हालांकि ये साबित नहीं हो पाया कि गुमनामी बाबा ही नेताजी थे। इसके बाद 2 और कमीशन इस जांच के लिए बने, लेकिन सब ने गुमनामी बाबा को नेताजी मानने से इनकार कर दिया। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और हमारे चैनल हिस्टोरिक हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हमारी हर नई वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। धन्यवाद।